गाइस जब भी कोई हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन या कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो दुर्घटना के बाद इस ब्लैक बॉक्स को क्यों ढूंढा जाता है, और जब ये ब्लैक बॉक्स ब्लैक होता ही नहीं तो इसे ब्लैक बॉक्स कहा क्यों जाता है। दरअसल ब्लैक बॉक्स को असल में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहते हैं, जिसका काम विमान में उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों जैसे विमान की दिशा, ऊंचाई, ईंधन, केबिन का तापमान जैसे 88 तरह के आंकड़ों को रिकॉर्ड करना होता है, ताकि दुर्घटना के बाद दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। ये इतना मजबूत होता है कि अगर आप इसे 750 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी कंक्रीट की दीवार में भी मारते हो, या इसे एक घंटे तक 11000 डिग्री सेल्सियस के तापमान में गर्म करते हो, या इसे समुद्र के अंदर 6 किलोमीटर की गहराई में भी फेंक देते हो, तब भी आप इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ब्लैक बॉक्स एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इन्हें ब्लैक कलर के बॉक्स में रखा जाता था, इसलिए इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। गाइस क्या आप इसके पहले ये फैक्ट जानते थे? चैट सेक्शन में हमें बताइएगा।